डोईवाला में शुगर कारखाने के पेराई सत्र का शुभारंभ उत्तराखंड के शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा, इस शुगर मिल से इलाके का आर्थिक विकास हो रहा है। शुगर कंपनी लिमिटेड के पेराई सत्र का शुभारंभ शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक ब्रजभूषण गेरौला ने किया। इस मौके पर सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विजय यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने किसानों, व्यापारियों, क्षेत्रीय जनता और कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। संबोधन से पूर्व विश्वकर्मा भगवान के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया गया। समारोह की अतिथि प्रेमचंद्र अग्रवाल और ब्रजभूषण ने कहा कि डोईवाला शुगर कंपनी इस क्षेत्र की जनता की आर्थिक समृद्धि का मुख्य साधन है, जिस कारण इस मिल की उन्नति में ही सभी का हित निहित है। उन्होंने कहा कि ये मिल क्षेत्रीय जनता की रीढ़ है। जो डोईवाला शुगर मिल है, यहाँ के आर्थिकी का आधार है, चाहे उसमें यहाँ के किसान हो, चाहे यहाँ के कर्मचारी अधिकारीगण हो, और चाहे फिर यहाँ के व्यवसायीगण हो। मैं समझता हूँ कि ये शुरू से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ का रहने वाला भी हूँ और एक किसान भी हूँ। ज़्यादातर लोगों की जो आधार है वो इसी शुगर मिल से है, और निश्चित रूप से जब यहाँ पेराई सत्र का उद्घाटन किया जाता है तो तमाम किसान लोग, तमाम संगठनों लोग, हर राजनीतिक दल के लोग यहाँ पे आते हैं। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत बधाई दे रहा हूँ, और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। जिस प्रकार से हम लोग आस्थावान लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम लोग पूजा पाठ करके इसका पेराई सत्र का उद्घाटन करते हैं, तो आज वो सब हमने किया है। और तमाम जो किसान यहाँ पे एक आस लगा के आते हैं, उनको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। पहले जो गन्ना लेके किसान आए हैं, उनको भी सम्मानित किया है, क्रेन में गन्ना डाल के इसकी शुरुआत करेंगे। और फिर से मैं सबका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, सभी का सहयोग इसके लिए रहे, क्योंकि सब जानते हैं कि ये हमारी शुगर मिल हमेशा एक सबके भविष्य का भी एक आधार बनती है। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि सब मिल के इसके आने वाले टाइम के लिए, जैसा पिछली बार बहुत अच्छा ये पेराई सत्र चला था, इसकी रिकवरी अच्छी हो, यहाँ का पेराई सत्र ठीक ठाक चले, सब सब इसके लिए प्रार्थना करें, ये मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ। का शुभारम्भ आज कर दिया गया है। विगत वर्ष की अपेक्षा इस बार हमने अपने फैक्ट्री के संचालन पे और उसके मेंटेनेंस पे बहुत ध्यान दिया है, जिससे हमें हमारी जो बंदियां होंगी वो कम होंगी और हमारे लॉसेस जो हैं वो कम होंगे, और इस प्रकार हमारी जो है रिकवरी बढ़ेगी। दूसरी ओर हमने जो किसान के लिए मूलभूत सुविधाएं थीं उस पर हमने ध्यान देके यहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था कर दी गई है, किसान भवन की व्यवस्था कर दी गई है, पंचर वाला भी यहाँ पे है, और इसके साथ साथ में जो है हमने सारे कांटे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कर दिए हैं। तो जो बेसिक परेशानी इस बात की आती थी कि लोगों को शिकायत रहती थी कि घटतौली होती है, तो उस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। विगत वर्षों में मुझे किसान भवन को यूज़ करने के लिए लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर हमारी फैक्ट्री का संचालन अच्छी रूप से होता रहा तो कृषक को यहाँ पे रुकने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि फैक्ट्री जब चलती है तो यहाँ पे बाहर जो है ना लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने प्लान कर रखा है कि बाहर जो है किसी भी तरीके से जो है जाम नहीं लगेगा, वो बेसिक चीज़ जो यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट है उस पर हमने प्रॉपरली वर्क कर रखा है। तो हमने इस प्रकार सारी व्यवस्थाएं विगत वर्षों से अच्छी कर रखी हैं, और उम्मीद करते हैं कि विगत वर्ष की अपेक्षा निर्बाध रूप से हमारी शुगर फैक्ट्री का संचालन होगा और रिकवरी विगत वर्षों से अच्छी आएगी और ससमय किसानों को भुगतान किया जाएगा। बेहतर चलने के लिए सबसे बड़ी प्लानिंग ये था कि हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दिया, जिसको लेकर फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स आती थी। पिछले सीजन के आधार पर फैक्ट्रियों में प्रॉब्लम में आती थी कि जैसे हमारा मिल है, रोलर है, चेन है, इनके प्रॉपर तरीके से समय से जब टेंडर नहीं होते थे और एक ही दो रिपेयर करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब बाद में भेजी जाती थी तो रिपेयरिंग के समय उनसे रिपेयर करके टाइम से मिलता नहीं था, तो फैक्ट्री को फाइनलाइज करने में हमारे जो भी जीएम हैं, ईडी हैं, चीफिंग हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती थी। इसका हम लोगों ने इस साल ये ध्यान दिया शासन लेवल पर भी, और आप लोगों ने भी समय से कि सारे रिपेयरिंग के जितने भी टेंडर्स वगैरह हैं आइटम, वो प्रॉपर तरीके से पहले से कर लिया जाए,
ताकि हर एक आइटम पर हर एक हाउस पर प्रॉपर तरीके से देख के और फैक्ट्री को फाइनल कर लिया जाए। तो एक तो हमें पूरा विश्वास है, जो हम लोग माननीय मंत्री जी भी और हम लोगों के द्वारा भी समय समय पर समीक्षा की जाती रही कि फैक्ट्रियाँ हमारी प्रॉपर तरीके से ऑफ सीजन में जो रिपेयरिंग का काम होता है वो मेंटेन है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।